हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल क्लेम कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें सर्च मारेंगे UAN। सबसे फर्स्ट में आएगा एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम अपना यहाँ पे UAN नंबर और पासवर्ड डाल के और कैप्चर कोड फिल करके साइन इन कर लेंगे। साइन इन होने के बाद ऑनलाइन सर्विस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्लेम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर लेंगे। यहाँ पे जैसा कि हम अपने अकाउंट नंबर को फिल कर लिए हैं, अब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, यस करेंगे। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके इस पर क्लिक करके अब हम नीचे सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट में भरेंगे ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19। नीचे हम सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा जो है पीएफ का जो पैसा है वो 50,000 से कम है, इसीलिए हम फॉर्म 15G को फिल नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे अपना एड्रेस। एड्रेस फिल कर लेते हैं हम अपना। जैसा कि मैं अपना एड्रेस फिल कर लिया हूँ, अब यहाँ पे हम अपना पासबुक को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे मेरा पासबुक अपलोड हो गया है। अब मैं व्यू करके इसको देख लूंगा एक बार। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर आऊँगा और मैं सहमत हूँ उस पर क्लिक करेंगे और गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम OTP फिल करेंगे जो हमारे मोबाइल पे आया है। मैं OTP फिल कर दिया हूँ। अब यहाँ पे OTP सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा हमें। अब हमारा जो क्लेम है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे हम क्लिक हेयर पे क्लिक करके और PDF हम देख सकते हैं अपना। फर्स्ट जो था वो हम PF विड्रॉल किए थे। अब हम अपना पेंशन भी विड्रॉल कर लेते हैं, जिसके लिए हम दोबारा से प्रोसेसर वही दोबारा फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेते हैं। जैसा कि प्रोसेस सेम था, बट यहाँ पे अब सेलेक्ट करेंगे क्लेम के लिए ऑनलाइन पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C को सिलेक्ट कर लिए। अब हम यहाँ पे दोबारा प्रोसेस वही अपनाएंगे, एड्रेस फिल करके और पासबुक अपलोड कर देंगे। जैसा कि मैं सब कुछ फिल कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं कि सेम प्रोसेस है, बस वहाँ पे ऑनलाइन PF विड्रॉल बस चेंज कर दिया हूँ। उसके बाद हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे, गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम आधार कार्ड से जो OTP आया है उसको हम यहाँ फिल करेंगे। सबमिट कर दिया हूँ, अब ये कुछ टाइम लेगा और यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा। देख सकते हैं कि सक्सेसफुल ये भी हो गया हमारा। अब हम क्लेम स्टेटस देखेंगे। ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं देखने को मिल रहा है कि मेरा जो 10C और 19 फॉर्म जो हम फिल किए हैं वो दोनों ऊपर ही दिख रहा है, ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एज पोर्टल। तो हमारा क्लेम जो है सबमिट हो गया है। अब ये 7 से 10 दिनों के अंदर ये क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। तो ऐसे अपने PF को क्लेम कर सकते हैं फुल एंड फाइनल। थैंक यू।